हेलो स्टूडेंट, बीएससी फाइनल की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एंजाइम की खोज किसने की। तो एंजाइम की खोज की थी कोहने नाम के साइंटिस्ट ने 1878 में। कोहने ने एंजाइम शब्द को खोजा। इसके बाद बुकनर नाम के साइंटिस्ट आए, इन्होंने 1897 में क्या किया, ईस्ट में खमीरीकरण करने वाले पदार्थ को अलग किया। ठीक है, ईस्ट में खमीर की करण जो खमीर पैदा करता है उस पदार्थ को अलग किया और उसको क्या नाम दिया, जाइलेज। इन्होंने नाम दिया एंजाइम की खोज की इन्होंने, और बुकनर ने 1897 में जाइलेज नाम दिया, जो खमीरीकरण करने वाला पदार्थ निकाला कि किसके द्वारा खमीर उठता है उसको नाम दिया जाइलेज। इसके बाद आए सुमनर। सुमनर ने 1926 में, ठीक है, सुमनर ने 1926 में यूरियस नाम का जो एंजाइम था उसका क्रिस्टल प्राप्त किया, जिसको इन्होंने बताया कि ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन नेचर वाला होता है। एंजाइम कैसा होता है, प्रोटीन नेचर वाला होता है, ये बताया सुमनर नाम के साइंटिस्ट ने 1926 में। ठीक है, लेकिन पूरा एंजाइम प्रोटीन होता है या ऐसा नहीं बोल सकते हैं, और ना ही प्रोटीन एंजाइम होता है। प्रोटीन की प्रकृति एंजाइम में हो सकती है। ठीक है, इसको हम दूसरे दो विषय बोल सकते हैं कि एंजाइम जो है प्रोटीन नेचर वाला होता है, लेकिन पूरे एंजाइम प्रोटीन नेचर के नहीं होते हैं। कुछ एंजाइम हैं जो आरएनए द्वारा बने होते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आगे। इसमें एक बात आपको बता दें कि जो अधिकांश एंजाइम होते हैं वो कंजुगेटेड एंजाइम होते हैं, मतलब संयुक्त एंजाइम होते हैं। संयुक्त मतलब क्या हुआ, दो से मिला हुआ। दो से किस तरह मिला हुआ रहेगा, जिसमें एको एंजाइम, ठीक है, एक हो गया एको एंजाइम और दूसरा हो गया कोफैक्टर। एपो एंजाइम और कोफैक्टर मिलाकर क्या बना लेते हैं, कंजुगेटेड एंजाइम। ठीक है, जिसको यहां पोलो एंजाइम भी बोल सकते हैं। पोलो एंजाइम, तो जो एपो एंजाइम होता है ये प्रोटीन पार्ट होता है। कंजुगेटेड जो प्रोटीन होते हैं वो दो प्रकार के एंजाइम द्वारा मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन पार्ट से और नॉन प्रोटीन, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन। प्रोटीन पार्ट और कोफैक्टर होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, एपो एंजाइम जो है ये प्रोटीन पार्ट होता है और कोफैक्टर जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। इसमें जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको हम इस तरह देखेंगे, अब ऐसे जो एंजाइम की डेफिनेशन दी गई वो ये दी गई कि एंजाइम एक तरह का कार्बनिक उत्प्रेरक है। ठीक है, एंजाइम क्या है, कार्बनिक उत्प्रेरक है, जो क्या करता है, जैव रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन खुद उसमें यूज नहीं होता है। तो हम यहां पर देख रहे थे नॉन प्रोटीन पार्ट या को एंजाइम। ठीक है, को एंजाइम या नॉन प्रोटीन पार्ट,
ये होता है टू टाइप का, एक होता है ऑर्गेनिक कोफैक्टर ठीक है, टू टाइप हो गया, ऑर्गेनिक कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कोफैक्टर और सेकंड हो गया इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ठीक, कोफैक्टर टू टाइप डिवाइड हुआ, ऑर्गेनिक कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। इसके बाद ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है उसको टू टाइप में डिवाइड किया गया, एक आ गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक, ऑर्गेनिक कोफैक्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप और सेकेंड हो जाएगा को एंजाइम। और इनऑर्गेनिक जो है इसमें अकार्बनिक पदार्थ रहेंगे जो आयन होते हैं। ठीक है, जेड एन प्लस प्लस एम जी सी यू। अब हम इसको देखेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा होता है? ये एपो एंजाइम से जुड़ा होता है। ठीक है, एपो एंजाइम अभी हमने देखा प्रोटीन पार्ट जो होता है उसमें एपो एंजाइम से प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा होता है। और जुड़ा कैसे होता है? बहुत अच्छी तरह से जुड़ा होता है जिसको अलग करना मुश्किल होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि ये एपो एंजाइम से टाइटली जुड़े होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो एपो एंजाइम से टाइटली जुड़ा होता है, मतलब बहुत ज्यादा कस के जुड़ा होता है। और जो को एंजाइम होता है वो एपो एंजाइम से कुछ समय के लिए जुड़ा होता है। एपो एंजाइम से कुछ समय के लिए जुड़ा होता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है जुड़े दोनों एपो एंजाइम से ही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये टाइटली जुड़ा है और ये कुछ समय के लिए या क्षणिक जुड़ा है, कुछ क्षण के लिए जुड़ा होता है और ये कस के जुड़ा होता है। अब इसके बाद को एंजाइम जो है, तो इतना हमने समझ लिया कि प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप एपो एंजाइम से टाइटली जुड़ा होता है, को एंजाइम एपो एंजाइम से कुछ समय के लिए जुड़ा होता है। ठीक है, जो को एंजाइम है तो इसके अंदर कुछ विटामिन भी होते हैं जिसमें इसके जो को फैक्टर होते हैं, तो इसमें क्या होता है, एनएडी नाम सुना होगा पढ़ा होगा और एनएडीपी। ठीक है, ये है को फैक्टर एनएडी और एनएडीपी। अब इसमें क्या हुआ है, इसका जो विटामिन है दोनों का वो क्या होता है, नियासिन। दोनों का जो विटामिन है, एनएडी का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ठीक है, इन दोनों का जो विटामिन है वो है नियासिन। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एंजाइम को किस तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एंजाइम को कैसे डिवाइड किया गया है, टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इंडो न्यूक्लियस, इंडो न्यूक्लियस, और सेकंड है
इंडो न्यूक्लियस इसका दूसरा नाम कह सकते हैं इसको इंट्रा सेलुलर एंजाइम, और एक्सो न्यूक्लियस कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। ठीक है, जैसा नाम से क्लियर हो रहा है कि इंडो न्यूक्लियस और एक्सो न्यूक्लियस, इंडो मींस अंदर, ये क्या होता है सेल के अंदर श्रावित होते हैं, जो इंडो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर श्रावित होते हैं और एक्सो न्यूक्लियस जो है वो सेल के बाहर श्रावित होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो नाम से ही क्लियर हो गया दोनों, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। और एंजाइम एक ऐसा उत्प्रेरक होता है कि जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो उसके बिना संभव नहीं होती है। ठीक है, मतलब कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, उपापचयी क्रिया, वो एंजाइम के बिना संभव नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका नोमेनक्लेचर जो था वो किस आधार पर दिया गया। नोमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण, कि एंजाइम के जो नाम दिए गए वो किस तरह से दिए गए। तो एंजाइम जितने भी आप लोगों ने देखे होंगे ज्यादातर उसमें क्या होता है सफिक्स एएसई नाम के पीछे जुड़ा होता है एएसई। ठीक है, लेकिन ये भी सब एंजाइम में नहीं होता है, कुछ ऐसे हैं जिनमें एएसई नहीं लगा होता है, लेकिन अधिकांश में ये होता है। तो सफिक्स इसमें क्या रहता है एएसई। ठीक है, और इसको जो क्लासिफिकेशन इसका किया गया नोमेनक्लेचर जो दिया गया, ठीक है, ए एस ई तो लगाया लेकिन इसको डिवाइड कितने भागों में किया गया, इसकी जो क्लास थी वो सिक्स टाइप में डिवाइड की गई। तो कौन कौन सी सिक्स टाइप है उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, सेकंड है ट्रांसफरेजेस, थर्ड है हाइड्रोलेज, फोर्थ है लाइगेज एंजाइम, आइसोमरेज, ठीक, और सिक्स है लाइगेजेस। ये सिक्स टाइप में डिवाइड किया गया, नोमेनक्लेचर दिया गया ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये सफिक्स ए एस ई, ट्रांसफरेज ए एस ई, हाइड्रोलेज ए एस ई, लाइगेज ए एस ई, आइसोमरेज, और इसमें हमने देखा कि इसकी जितनी भी क्लास डिवाइड हुई, जितनी भी क्लास में डिवाइड किया गया सब में क्या लगा ए एस ई। तो इसका जो नॉर्मल प्रेशर दिया गया उसमें ए एस ई लगाया गया एंजाइम की पहचान में, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनमें ए एस ई नहीं होता है, जैसे पेप्सिन हो गया, इन एंजाइम में ए एस ई नहीं लगा है। ये कुछ अपवाद है एंजाइम के जिनमें सफिक्स नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसके बाद आती है इसकी प्रॉपर्टी, क्या क्या गुण होते हैं एंजाइम में। प्रॉपर्टी हम देखेंगे, एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। जैसा शुरू में बताया गया कि प्रोटीन प्रकृति के एंजाइम होते हैं। ठीक है,
एंजाइम का प्रोटीन नेचर होता है, प्रोटीन प्रकृति के हो गए एंजाइम, और सेकेंड होता है कोलाइडर नेचर। कोलाइडर नेचर और एम्फो ट्रॉपिक, एम्फो ट्रॉपिक के बाद हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट। हाई होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, हाई होता है, उच्च होता है। अगला है ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक हो गए। तो पहला क्या हो गया, प्रोटीन नेचर, एंजाइम कैसे है, प्रोटीन नेचर के हैं। सेकंड है कोलाइडर नेचर, कोलाइडर नेचर हो गया एम्फोट्रॉपिक, एम्फोट्रॉपिक मतलब एसिडिक और बेसिक। जिसको हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी, ठीक है, एम्फोट्रॉपिक हो गए, और मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हमेशा हाई होता है इसका, स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कोई भी एंजाइम होता है ऐसा नहीं है कि कोई एंजाइम दूसरा कार्य कर ले, किसी दूसरे का कार्य कर ले, ये मतलब एक पर्टिकुलर एंजाइम किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए ही बना होता है, ठीक है। तो ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेसिफिक होते हैं किसी भी ऑर्गन के लिए। इसके बाद इसका लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि रिएक्शन को ये किसी भी दिशा में उत्प्रेरित कर देते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन चल रहा है, ये क्या करेंगे, उत्प्रेरित कर देंगे, मतलब यहां भी रिएक्शन चलेगा और इस साइड भी रिएक्शन चल जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन को ये किसी भी दिशा में उत्प्रेरित कर देते हैं। तो इतना है जो मुख्य प्रॉपर्टी थी इसकी, जो मुख्य गुण थे एंजाइम। अब इसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। Mechanism of enzyme action. तो mechanism इसकी two types होती है। First है formation of एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और सेकेंड है लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एंजाइम। फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, किस तरह से इसका सबस्ट्रेट मतलब क्रियाधार और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनता है। सेकंड है लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एंजाइम। इन दोनों को अभी हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के पहले हमें दो चीज जानना जरूरी है कि सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट होता है क्रियाधार, ठीक है, इसमें दो वर्ड आते हैं, एक आता है सबस्ट्रेट और सेकेंड आता है एक्टिव साइट। जब तक हम इन दोनों को नहीं समझेंगे तो हम ये थ्योरी जो है इसको नहीं समझ पाएंगे। तो सबस्ट्रेट जो होता है तो ये ऐसा पदार्थ होता है जिसपे एंजाइम अपना एक्शन करता है, ठीक है, इसके ऊपर एंजाइम अपना एक्शन करता है। सबस्ट्रेट जो है क्रियाधार, मतलब क्रिया का आधार, जो भी क्रिया हो रही है उसका आधार क्या है, सबस्ट्रेट है। सेकंड है एक्टिव साइट, तो एक्टिव साइट होता है एंजाइम पर स्थित होता है ये, जिसपे एमिनो एसिड विन्यासित होते हैं। तो एक्टिव साइट जो है वो एंजाइम पर पाई जाती है, ठीक है, एंजाइम पर पाई जाती है एक्टिव साइट।
सबस्ट्रेट क्या हो गया, वो पदार्थ जिसपे एंजाइम अपना एक्शन दिखाता है। तो इसमें दो थ्योरी दी गई फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में। फर्स्ट तो थी लॉग एंड की थ्योरी और सेकंड थी इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। फर्स्ट थ्योरी हम देखेंगे लॉग एंड की। लॉग एंड की थ्योरी और सेकंड है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। ठीक है, लॉग एंड की थ्योरी मतलब ताला और चाबी सिद्धांत, ताला कुंजी सिद्धांत, इसको कुछ भी नाम से बोल सकते हैं। जिस तरह से एक ताला जो होता है उसकी एक निश्चित चाबी होती है, ठीक है, वो ताला अपनी ही चाबी से खुलता है, दूसरी चाबी उस ताले में नहीं लग सकती है। तो इसी तरह से यहाँ भी है कि हर एंजाइम का एक निश्चित सब्सट्रेट होता है जो उसमें मिलकर कॉम्प्लेक्स बना देता है। इस कारण से इसको नाम दिया गया ताला चाबी सिद्धांत। इसको हम समझते हैं किस तरह से देखते हैं। ठीक है, ये हो गया एंजाइम हो गया सबस्ट्रेट। ठीक है, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, ये एस, जिसको इसको कहा गया कि ये है ताला। ठीक है, ये लॉक है, ये है इसकी की। अब जैसे ताले में चाबी फिट हो जाती है उसी तरह से क्या होगा, एंजाइम में सबस्ट्रेट भी फिट हो जाएगा। ये आगे चल के किस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेगा, यहाँ पर क्या है, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। आगे चल के इसने क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हमें क्या ना प्रोडक्ट, ठीक, प्रोडक्ट के अलावा क्या हुआ यहाँ पर एंजाइम, क्योंकि शुरू में बताया गया है कि एंजाइम क्रिया को उत्प्रेरित कर देता है लेकिन खुद भाग नहीं लेता है, इसलिए यहां पर प्रोडक्ट के साथ साथ एंजाइम भी अलग हो गया। इस तरह से यह है ताला चाबी सिद्धांत। और इस थ्योरी को दिया था एमिल फिशर ने। ठीक है, ताला चाबी सिद्धांत जो है लॉक एंड की थ्योरी, इसको एमिल फिशर ने 1894 में दिया था। तो इसमें क्या है कि एंजाइम का जो एक्शन साइट होता है, एक्शन साइट कौन सा हो गया, ये वाला साइट।
एक्स्ट्रा साइड में क्या है, सब्सट्रेट आकर जुड़ गया और एक कॉम्प्लेक्स बना दिया वहां पर, जिसको इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। यहां पर जो बन गया ठीक है, उस समय प्रोडक्ट मिला और एंजाइम अलग हुआ। अब इसके बाद सेकेंड हम देखेंगे इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इस थ्योरी को दिया था ओशलैंड ने। ये लॉक एंड की थ्योरी के समान पूरी तरह से नहीं है, 1958 में ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया कि एंजाइम की जो सरफेस होती है वो होती है फ्लेक्सिबल, और वो जिस तरह का सब्सट्रेट रहेगा उसी तरह से वो अपने आप को ढांचा बना लेती है, स्ट्रक्चर उसी तरह का कर लेती है। और जिस तरह से इसमें लॉक एंड की में दोनों कॉम्प्लेक्स बना रहे थे उसी तरह से इसमें भी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, ये है एंजाइम। एंजाइम के साथ एक सब्सट्रेट जुड़ेगा, सब्सट्रेट है अभी जुड़ेगा नहीं, ठीक है। अब ये सब्सट्रेट है, ये एंजाइम है, दोनों का स्ट्रक्चर में असमानता है। ये इसमें फिट होगा होना चाहिए अगर इसके एक्टिव साइड में, तो ये किसी तरह से फिट नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें क्या बताया इन्होंने ओशलैंड ने कि एंजाइम की जो सरफेस होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और सब्सट्रेट के हिसाब से ही वो अपने स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये क्या करेगी, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगी, जिस तरह का सब्सट्रेट है उसी तरह से ये अपने आप को बना लेती है। ठीक है, यहां भी बन गया एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसमें भी आगे क्या हुआ, एक उत्पाद बना प्रोडक्ट और एंजाइम इसमें भी अलग हो गया, क्योंकि एंजाइम तो भाग लेता ही नहीं है, उपस्थित रहता है लेकिन वो क्या करता है उस क्रिया में भाग नहीं लेगा, ठीक है, इसलिए वो अलग हो गया उससे। अब इसके बाद तो इसमें और लॉक एंड की में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसमें जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो सब्सट्रेट से चेंज होता है, ठीक है, सब्सट्रेट अलग आकार का होगा और एंजाइम अलग आकार का होगा, लेकिन एंजाइम की सरफेस फ्लेक्सिबल होगी और अपने आप को वो सब्सट्रेट के समान बना लेती है, इस कारण से इसमें एक कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हमें प्रोडक्ट मिला और एंजाइम अलग हो गया। तो इस तरह से ये है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस जो दिया ओशलैंड ने। ये नाम आप लोग नोट कर सकते हैं, ये एमसीक्यू में आता है। एमिल फिशर ने कौन सी थ्योरी दी, लॉगन की थ्योरी, और ओशलैंड ने दी इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस थ्योरी। अब इसके बाद हम देखेंगे लोवरिंग एक्टिवेशन साइट। अभी तो हमने फर्स्ट मेथड की देखी, फर्स्ट के अंदर का दो थ्योरी थी जिसमें
लॉक एंड की थ्योरी हमने देखी और इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। अब इसके बाद सेकंड है लोवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक मॉलिक्यूल को रिएक्ट होने के पहले एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो एनर्जी कौन सी कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, हर मॉलिक्यूल को रिएक्ट होने के पहले मतलब क्रिया करने के पहले एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसको कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिव करती है। और इसमें क्या होता है कि एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेशन ऊर्जा को कम कर देता है। ठीक है, तो इसको हम एक ग्राफ के हिसाब से समझेंगे। ये इसका क्या है? इनिशियल स्टेज है, प्रारंभिक अवस्था। और ये क्या है? फाइनल स्टेज। अब ये जो है इसमें यहां पर क्या है? एंजाइम भाग ले रहा है, कैटलिस्ट रिएक्शन एंजाइम यहां पे कर रहा है। एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन यहां भी कर रहा है। यहां पर एंजाइम है मतलब इसकी ऊर्जा की हमें कम आवश्यकता है, क्योंकि एंजाइम क्या काम करता है? ऊर्जा को कम कर देता है। यहां पर आ जाएगा लेस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, लेस एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर क्या कर रहा है एंजाइम? ये एंजाइम क्या कर दे रहा है? यहां पर ऊर्जा को कम कर रहा है, एक्टिवेशन इसका कम कर दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी अगली स्टेज जो हो जाएगी वो इस तरह से रहेगी। अब इन स्थानों पर क्या है कि एंजाइम भाग नहीं ले रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? रिएक्शन नॉट कैटलिस्ट एंजाइम। मतलब यहां पर एंजाइम किसी तरह का रिएक्शन नहीं कर रहा है, यहां किसी को उत्प्रेरित नहीं कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जहां जब एंजाइम वहां भाग नहीं ले रहा है तो इधर पर ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि एंजाइम क्या काम करता है? ऊर्जा को कम करने का काम करता है। यहां पर एंजाइम नहीं है इसलिए यहां पर ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी एंजाइम की। इधर आ जाएगा मोर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, एंजाइम यहां पर क्या कर रहा है? यहां पर भाग ले रहा है इसलिए यहां पर ऊर्जा कम कर देगा, क्योंकि एंजाइम का काम ही ऊर्जा को कम करना है। यहां एंजाइम भाग नहीं ले रहा है इसलिए इधर पे ऊर्जा इसकी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एंजाइम यहां पर भाग नहीं ले रहा है। तो
इसमें क्या हो जाता है कि एंजाइम जहां प्रयोग नहीं करेगा एंजाइम वहां ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहां पर एंजाइम ऊर्जा की जो एनर्जी होती है उसको कम करता है, लेकिन यहाँ एनर्जी की हमें जरूरत है क्योंकि यहाँ एंजाइम भाग नहीं ले रहा है, इधर एंजाइम भाग ले रहा है तो यहाँ पर एनर्जी की कम जरूरत है, मतलब एंजाइम एनर्जी को कम करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एंजाइम इनहिबिटर। इनहिबिटर कितने प्रकार का होता है एंजाइम में, इसको हम देखेंगे। इनहिबिटर कहते हैं संदमक, एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम कहे संदमक। ये होता है टू टाइप का, ठीक है। फर्स्ट होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और यहां आ जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मतलब प्रतियोगी संदमक और नॉन प्रतियोगी जो अप्रतियोगी संदमक कहलाएगा, जिसमें स्पर्धा नहीं होगी। तो हम पहले समझेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। इसको किस तरह से समझेंगे, तो इसमें होगा जैसे अभी हमने जो सिद्धांत देखे थे, लॉकेट की देखा या इंड्यूस्ड फील्ड थ्योरी देखी, उसी तरह से इसमें भी रहता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये हो गया एंजाइम। अब यहां पर इनहिबिटर भी रहेगा और सब्सट्रेट भी रहेगा, तो एंजाइम से जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वही इसमें जुड़ेगा, या वो इनहिबिटर हो या सब्सट्रेट हो, ठीक है। इनहिबिटर को इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। यह है संदमक इनहिबिटर, यह है इनहिबिटर। अब यहां हम बनाएंगे सबस्ट्रेट, ये एंजाइम। अब यहां पर क्या है, इसमें ऊर्जा ज्यादा है, और जिसमें ऊर्जा ज्यादा होगी वो इससे एंजाइम से जुड़ जाएगा एक्टिव साइड में। सांद्रता कंसंट्रेशन जिसमें ज्यादा होगा वो एंजाइम से जुड़ेगा, तो यहां पर इसका कंसंट्रेशन अधिक है, कंसंट्रेशन इसका हाई है, ठीक है। तो ये इससे जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के बाद किस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा,
ठीक है, ये एंजाइम और ये इनहिबिटर, इसने मिला के क्या बना लिया, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, क्यों बना लिया, क्योंकि इसकी सांद्रता इससे ज्यादा थी, इस कारण से इसने इसके एक्टिव साइट पर ये जुड़ गया, इनहिबिटर और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया। ये तो था कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अब हम समझेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किस तरह से होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। ठीक है, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, इसमें दूसरी साइड में जुड़ जाता है, तो इसलिए इसको नॉन कॉम्पिटिटिव बोलते हैं कि किसी तरह का कॉम्पिटिशन इसमें नहीं होता है। ये है एंजाइम, यहां पर है ये सबस्ट्रेट, और इनहिबिटर जो है वो किस तरह का है, ये है इनहिबिटर। क्या है, एंजाइम से सबस्ट्रेट तो आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो एक सा है, लेकिन इनहिबिटर इससे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। ये कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर भी जुड़ जाएगा, मतलब ये दोनों एक साथ जुड़ गए और ये इसके अलग साइड में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह बन जाएगा, ये कहां जुड़ गया है, पीछे जुड़ गया है। ठीक है, इसको इस तरह से कर दीजिए, इससे अलग समझ में आएगा। यहां क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक है, मतलब यहां पर किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं थी। यहां क्या हुआ, सबस्ट्रेट जुड़ गया एक्टिव साइड पे एंजाइम के, और इनहिबिटर जो था वो पीछे साइड से आकर जुड़ गया। ये बिना प्रतिस्पर्धा वाला होता है, इस कारण से नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसको नाम दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट इसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब क्या क्या इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या गुण कौन कौन से हैं जिनके से ये प्रभावित होता है। तो फर्स्ट हो जाएगा ये कंसंट्रेशन, जो होता है कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इसकी क्रिया बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ही सांद्रता बढ़ती है तो इसकी क्रिया इसकी बढ़ जाती है सांद्रता, और एक निश्चित सीमा पर आने पर एंजाइम उसमें सीमित हो जाएंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ने पर
ये बढ़ जाता है और एक निश्चित लिमिट तक ही बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर एंजाइम अपने आप खत्म होने लगते हैं। फिर सेकंड आ जाएगा, तो पहला जो था वो तो था कंसंट्रेशन के बारे में, और सेकंड इसमें है एंजाइम कंसंट्रेशन। तो एंजाइम कंसंट्रेशन का क्या है कि एंजाइम का सांद्रता बढ़ाने पे, ये उसका अपोजिट है पहले वाले का। इसमें एंजाइम की सांद्रता बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। एंजाइम की सांद्रता बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन, क्रिया तेजी से होने लगती है, लेकिन एक लिमिट तक ही इसमें भी क्रिया होगी, क्योंकि इसमें फिर उसके बाद सब्लिमेट हो जाएगा। फिर अगला है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के प्रति एंजाइम जो है वो संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर में ये 5 से 9 डिग्री सेल्सियस पर ही काम करते हैं, 5 से 9, ठीक है। 5 से कम पे काम नहीं करेंगे और 9 से अधिक पे काम नहीं करेंगे। और इनका जो पीएच होता है वो भी एक जो पीएच इनका होता है, ठीक है, पीएच जो है वो है 5 से 9, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर है 5 to 40। इसलिए ये टेम्परेचर के प्रति भी संवेदनशील होते हैं, 5 to 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब 5 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर है तो ये काम करना बंद कर देते हैं, 40 से ज्यादा अगर है तो काम करना बंद कर देते हैं। पीएच भी इनका 5 to 9 के बीच होता है, ठीक है। इतना इसका था फैक्टर। अब इसके बाद इसमें सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ये एंजाइम का फुल क्वेश्चन था, और जो थ्योरी अलग से एग्जाम में पूछी जाती है तो वो लॉकेन की पूछी जाती है, लेकिन वो इस समय ओल्ड थ्योरी हो गई है, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, जो उसका चेंज करके उस थ्योरी को पेश किया गया। तो वो दोनों थ्योरी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो ग्राफ था, इस तरह से एंजाइम आज हम लोगों का जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हुआ। अगले दिन नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।